तो बेटा नाउ एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट यू कैन सी इन योर बुक बेटा द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम। आपको बेटा एक फंक्शन की इन सभी क्वेश्चन में बेटा ये जो 3 पार्ट्स गिवन है आपको ये कहा जा रहा है कि आपको प्रूव करना है दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट है मैक्सिमम और मिनिमम, ना बेटा इनकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना मिनिमम। अब ऐसा क्यों होगा आप वो समझो। सी एफ एक्स क्या बेटा ई रेस टू पावर एक्स, और ई रेस टू पावर एक्स बेटा ये जो वैल्यू है आपकी इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। मीन्स अगर मैं आपको एग्जैक्ट वे में बताऊं बेटा वंस यू डिफरेंशिएट ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब बेटा आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगा बेटा ई रेस टू पावर एक्स। अब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बेटा तभी निकाल सकते हैं ना जब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए बेटा हमें क्या करना होता है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या करना होता है बेटा कि जो भी डेरिवेटिव होता है इट शुड बी इक्वल टू जीरो। बेटा ई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू की अगर मैं आपको बताऊं तो ई की जो बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है इट इज 2.12। अब किसी की वैल्यू बेटा 2.12 हो तो एक्स की वैल्यू बेटा अगर आप जीरो भी कर दोगे तो भी वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो बेसिकली आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड ही नहीं कर सकते, बेसिकली आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि ई रेस टू पावर एक्स नेवर बी इक्वल टू जीरो। जब तक बेटा आपके क्रिटिकल पॉइंट्स ही नहीं आएंगे, अगर क्रिटिकल पॉइंट्स ही अगर आपके नहीं आएंगे तो हाउ विल यू प्रूव दैट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा बेटा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है मिनिमम। तो ई रेस टू पावर एक्स इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इट मीन्स दैट इज इट हैज नो क्रिटिकल पॉइंट हेंस नो मैक्सिमा और बेटा जहां डाउट होगा वहीं पॉइंट आउट कर देना। ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पार्ट टू द क्वेश्चन इज जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। अगेन बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा जी डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/x राइट। अगेन फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स 1/x शुड बी इक्वल टू जीरो, 1/x शुड बी इक्वल टू जीरो। तो बेटा अगर 1/x को अगर आप जीरो कर दोगे 1/x शुड बी इक्वल टू जीरो, अब बेटा एक्स की जगह अगर मैं जीरो पुट कर देता हूँ वही तो कॉन्स्टेंट है तो जीरो के लिए बेटा इसको जीरो होना पड़ेगा। और आपको पता 1/0 क्या होता है बेटा नॉट डिफाइन, तो आपका फंक्शन ही बेटा नॉट डिफाइन हो जाएगा। इट मीन्स अगेन 1/x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट इज नॉट डिफाइन नॉट पॉसिबल। 1/x बेटा का जीरो नहीं आएगा इट मीन्स अगेन इट हैज नो क्रिटिकल पॉइंट, इट हैज नो क्रिटिकल पॉइंट हेंस नो मैक्सिमा और राइट। नेक्स्ट बेटा लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन here hx is equal to x cube plus x square plus x plus 1
differentiate with respect to x. तो बेटा एच डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस राइट. देन बेटा फोर क्रिटिकल पॉइंट, फोर क्रिटिकल पॉइंट, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0. बेटा किसके इक्वल होना चाहिए आपका, जीरो के. बेटा इसके फैक्टर तो देखो बनेंगे नहीं, थ्री वन जो थ्री टू को स्प्लिट करके बेटा हम थ्री नहीं बना सकते राइट. तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर. तो बेटा टू स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए की जगह क्या आएगा बेटा थ्री और सी की जगह क्या आएगा डिवाइडेड बाय बेटा टू ए, ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा थ्री. तो बेटा एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस टू प्लस माइनस टू स्क्वायर कितना होगा बेटा फोर, फोर थ्री का कितना होगा ट्वेल्व और टू थ्री का बेटा सिक्स राइट. तो बेटा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टू प्लस माइनस फोर माइनस ट्वेल्व कितना होगा बेटा माइनस एट, थ्री हो गया बेटा सिक्स. बेटा रूट के अंदर माइनस आने का मतलब क्या है, रूट के अंदर बेटा अगर माइनस आ रहा है तो ये क्या है, ये इमेजिनरी रूट है विच इज इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट आ गया आपका, हेंस नो मैक्सिमा और राइट. तो बच्चों यहाँ तक आपने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट समझा, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा सर बेस्ड हमने बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर. अब बेटा मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ आपका कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा. बेटा इस एक्सरसाइज में जितने भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन हैं आपके वो मैं सारे अब आपको इस सेट में कंप्लीट करवा दूंगा. इसके बाद बेटा फिर दोबारा हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के जो क्वेश्चन हैं आपके वो कंप्लीट करेंगे राइट. ये क्वेश्चन नंबर फाइव ऑर्डर वाइज अगर हम देखें तो बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट यहाँ से शुरू होता है. तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फाइव, फिफ्थ क्वेश्चन पार्ट वन. आपको बेटा एक फंक्शन की बना है fx is equal to x cube, fx is equal to x cube where x belongs to minus 2 to 2. आप देख सकते हो बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू निकाल बेटा कैसे करते हैं. सबसे पहले बेटा जो फंक्शन है आपका वो क्या है, fx is equal to x cube. फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ fx इज बेटा fx एंड इट इज इक्वल टू 3x. देन बेटा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स 3x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 0. तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0. अब आप ये देखो क्या ये पॉइंट बेटा इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, यस yes. जीरो बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, जीरो बिलोंग्स टू दिस इंटरवल राइट. तो बेटा एक्स, अब देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है बेटा, जो भी आपको इंटरवल गिवन है जैसे क्लोज इंटरवल है तो बेटा ये एक्स की वैल्यू माइनस टू और टू तो ऑलरेडी फिर है क्योंकि एक्स इन दोनों वैल्यू को बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल है और साथ में बेटा आपने जीरो भी निकाल दिया. तो बेटा अब हम तीनों वैल्यू पर चेक करेंगे कि फंक्शन किस वैल्यू पर बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और किस वैल्यू पर एब्सोल्यूट मिनिमम. यहाँ तक तो बेटा सेम आपका लोकल मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट आ गया. अब इसके बाद क्या बेटा, जो भी आपकी वैल्यू आई है, आपकी जो वैल्यू आई है बेटा तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू सब आपके पास क्या क्या आ गई, जीरो जो बिलोंग कर रहा है तो क्लोज इंटरवल होने की वजह से बेटा माइनस टू और टू को भी एक्स बिलोंग कर रहा है. अब बेटा एफ एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी,
एक्स क्यूब। तो बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो भी बेटा एक्स की वैल्यू आती है उसको सीधा फंक्शन में पुट करते हैं। तो एफ जीरो कितना हो गया बेटा, जीरो क्यूब एंड इट इज इक्वल टू जीरो। एफ ओ माइनस टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस टू क्यूब एंड इट इज इक्वल टू माइनस एट। एंड देन बेटा एफ ओ टू इज इक्वल टू टू क्यूब एंड इट इज इक्वल टू एट। तो बेटा आउट ऑफ दीज थ्री वैल्यूज जो बेटा मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस एट, और मैक्सिमम कितनी आ रही है बेटा एट। तो यही बेटा आपका आंसर है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू एट एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एट। तो बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इस तरह से निकाली। तो क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा, लोकल मैक्सिमम मिनिमम बेटा साइन ऑफ एफ डैश एक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एक्स। फिर बेटा मूवमेंट चेक करते थे कर्व के, उसके अकॉर्डिंग हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट निकालते थे लोकल, फिर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। लेकिन बेटा एब्सोल्यूट में क्या होता है, जो भी इंटरवल्स के साथ साथ जो भी एक्स की वैल्यू इंटरवल को बिलोंग करते हैं वो सारी हम इंक्लूड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट बेटा वी फाइंड अपर आंसर। ओके सेकंड है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट टू। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू 5। वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू, नाउ हियर फंक्शन इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। Function is equal to sin x plus cos x. What we will do? We will differentiate the function with respect to x. So, बेटा f dash x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, cos x minus sin x. Then, बेटा what? For critical points, for critical points. तो बेटा आपका एफ डैश एक्स है यानी कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बेटा शुड बी इक्वल टू जीरो। तो बेटा कॉस एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन एक्स, इट कैन बी रिटन एज साइन एक्स इनटू 1। ऐसा सेम क्वेश्चन बेटा हमने लोकल मैक्सिमम मिनिमम के केस में भी किया था क्वेश्चन नंबर 3 में। इट कैन बी रिटन एज बेटा कॉस एक्स बाय साइन एक्स इक्वल टू 1 व्हिच इंप्लाइज बेटा कॉट एक्स इक्वल टू 1। इट कैन बी रिटन एज बेटा टैन एक्स इक्वल टू 1। और 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, n में n pi by 4, n pi by 4, right? Then beta, as I told you, if tan x is equal to tan alpha, tan theta is equal to tan alpha, tan theta is equal to what? N pi plus alpha. What is alpha here? Pi by 4. Tan theta is equal to tan alpha, tan theta is equal to n pi plus alpha. What is alpha here? Beta pi by 4. And n belongs to integer. किसको बिलोंग करेगा आपका इंटीजर। नाउ पुट एन इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो 0, 1, 2 एंड सो। मेरा जो इंटरवल है आपका वो है 0 to 5। जो इंटरवल है आपका वो क्या है, 0 to, राइट। थोड़ा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या आ जाएगी आपकी, जब बेटा मैं यहाँ पर जब बेटा मैं एन की जगह 0 पुट करूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, पाई बाय 4। बेटा 1 पुट करूंगा तो पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, पाई पाई बाय 4। बेटा 2 पुट करूंगा तो 4 टू जा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 पाई बाय 4, राइट। अब बेटा अगर ये तीनों ही वैल्यू बेटा इस इंटरवल पे बिलोंग करती है तो हम फिर आगे का भी चेक कर लेंगे, 3, 4 ऐसे। तो पहले तीन वैल्यू पे बेटा हम चेक कर लेते हैं, राइट। इंटरवल है बेटा 0 to 5, 0 to 5 का मतलब, पाई का मतलब क्या होता है आपको पता है, 180, राइट। तो बेटा पाई बाय 4 तो 45 है आपका, 45 तो बेटा बिलोंग करेगा आपका 0 to 180 को,
पाई पाई बाय फोर, पाई बाय फोर का मतलब क्या होता है बेटा? पाई बाय फोर का मतलब होता है 45। 45 इंटू 5 कितना होता है बेटा? राइट, 225 बेटा 0 और 180 को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा तो ये भी नहीं करेगा। राइट, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इट मींस व्हाट? ओनली 5/4 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू 5। राइट, अब बेटा जो x है आपकी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या आ गई? x बेटा क्लोज इंटरवल है, तो बेटा x की पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई? 5/4 0 और 5/4 0 और 5, ये सारी वैल्यूज आ गई बेटा आपकी। बेटा जो फंक्शन है आपका बेटा वो क्या है? तो नॉर्मल वे में बेटा अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रखता हूँ तो वो क्या है आपका? साइन एक्स प्लस ये फंक्शन है बेटा। अब मुझे क्या करना है बेटा? वन बाय वन हम क्या करेंगे बेटा? इन पॉइंट्स पर जो वैल्यूज है बेटा एक्स की वो फंक्शन में पुट करेंगे और देखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले बेटा हम निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ पाई बाय फोर विल बी इक्वल टू बेटा साइन एक्स मीन्स साइन पाई बाय फोर प्लस कॉस एक्स मीन्स कॉस पाई बाय फोर। साइन पाई बाय फोर 1/√2, cos pi by 4 बेटा 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, दिस कैन बी रिटन एज बेटा रूट। राइट, नेक्स्ट वैल्यू बेटा f ऑफ 0 sin 0 प्लस cos 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 0 बेटा? 0, cos 0 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया बेटा आपका? 1। राइट, नेक्स्ट बेटा एफ पाई, एफ ऑफ पाई इट विल बी इक्वल टू बेटा साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई इज व्हाट बेटा? साइन पाई इज 0 एंड कॉस पाई इज माइनस 1, इट इज इक्वल टू माइनस 1। राइट, अब बेटा रूट टू की जो वैल्यू होती है, अगर मैं रूट टू की वैल्यू देखूं बेटा तो अप्रोक्सीमेट बेटा इट इज 1.4 समथिंग। रूट टू की जो वैल्यू होती है बेटा अप्रोक्सीमेट अगर आपको याद हो तो कितना होता है बेटा? 1.4 समथिंग होता है। राइट, तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू तो क्या आ रही है आपकी? रूट टू। और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? माइनस 1। कैन आई से दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू रूट टू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू is equal to minus 1, is equal to minus 1, right? Let's move to the next question. अगर जहाँ doubt होगा वहाँ आप लोग पूछ लेना, बार बार कह रहा हूँ आपको। Question number 5, part 3. Value of function is beta 4x minus half x square where x belongs to minus 2 to 9/2. Right? Now beta, here value of function is here fx is equal to 4x minus half x. Right? First of all what we will do? Differentiate the function with respect to x. Then beta f dash x is equal to 4x, 4 minus half. Beta x square ka derivative kya ho jayega aapka? 2x. 2 and 2 will be cancelled out beta. It will be 4 minus x. Right. Then for critical point,
four critical points. F dash x will be equal to 0. So that x will be equal to what? बेटा माइनस टू की वैल्यू कितनी होती है आपकी? माइनस टू इज व्हाट? सॉरी 9/2 की वैल्यू होती है बेटा 4.5. तो माइनस टू 4.5 के बीच में बेटा ये बिलोंग कर रहा है आपका, राइट? कैन आई से दैट व्हिच इंप्लाइज 4 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस टू टू 9/2, राइट? देन बेटा जो आपकी पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई आपकी? 4 माइनस 2 और 9/2, क्योंकि बेटा ये भी क्लोज इंटरवल है, ये भी क्या है बेटा आपके? क्लोज इंटरवल. नाउ हियर fx इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2x², ये भी बेटा फेयर पार्ट है, कहीं आप इसको रख सकते हो. इसके बाद आफ्टर दिस बेटा fx की वैल्यू आएगी, फिर आप सारी वैल्यू पुट करोगे, ओके? Like this. So the first of all, what we do, we will find the value of f of 4, which will be equal to 4 into 4 minus 1/2 4². 4 into 4 beta 16 minus 8, and it will be equal to 8. It will be equal to 8. Then beta will find the value of f of minus 2, which is 4 into minus 2. Minus 1/2 × -2². It will be beta minus 8, minus 2 is equal to minus 8. Then beta, next value will be f of 9/2, which is beta 4 × 9/2 minus 1/2 9/2². 9/2. 2 1s are 2, 2 2s are 4, right? It will be beta 9 2s are 18, like 18/1 minus beta 9² kitna ho jayega? 81. 2² beta 4, 4 2s are kitna ho jayega? 8. I'll say no, beta 144 minus 81/8. Aur ye beta aapka aayega, will be near 63/8. 63/8 की बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग आएगी, राइट? 7.9 आएगी बेटा अप्रोक्सीमेट. अब बेटा ये तो भाई 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है और ये 8 आ रहा है. मैक्सिमम वैल्यू तो बेटा ये हो गई आपकी, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? माइनस 10. इट मीन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू is equal to 8 and absolute minimum value is equal to minus, right? Next question, but of part 4, the question is the given function is fx is equal to x minus 1² + 3, where x belongs to minus 3 to 1. Here, first of all, beta, we will write down the value of function. Then differentiate with respect to x. So, beta, f dash x ki value kya aa jayegi aapki? 2x - 1. 2x - 1 for critical point. Twice of x minus 1 will be equal to 0. But what will be the value? We know that 2 cannot be equal to 0. 2 can't be equal to 0. So but finally x minus 1 should be equal to 0. So x ki value kitni aa jayegi beta? X ki value kitni aa jayegi? 1. You can see that
that x means 1 belongs to interval minus 3 to 1. Minus 3 to 1. So, बेटा x की possible values क्या आ गई? देखो 1 तो बेटा यहाँ पे क्लोज भी है, तो माइनस थ्री और वन पे, तो वन पे तो बेटा क्लोज इंटरवल पे भी एक्स बिलोंग कर रहा है, राइट? इसका मतलब पॉसिबल वैल्यू बेटा यहाँ पर जो एक्स की होगी वो क्या होगी, वन एंड माइनस टू, राइट? तो यहाँ पे बेटा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वन, which is equal to 1 minus 1 क्या हो जाएगा बेटा, 0 plus 3 is equal to 3, and then बेटा f of minus 3, minus 3, minus 3 minus 1 बेटा minus 4, minus 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 16 plus 3 is equal to 19. You can see which one is the maximum value and which one is the minimum value. So absolute minimum value is 3 and absolute maximum value is equal to what? 9. Is equal to what? So, beta, here we have completed our question number 5. Next, beta, jo absolute maximum minima ka aapki exercise mein jo question hai beta, wo hai aapka question number 7. That is question number 7. The question is